और यतीमों को जांचते रहो यहां तक कि जब वो निकाह के लायक उम्र को पहुंच जाएं। तो अगर तुम ये महसूस करो कि उनमें समझदारी आ चुकी है तो उनके माल उन्हीं के हवाले कर दो, और ये माल फजूल खर्ची करके और ये सोचकर जल्दी जल्दी ना खा बैठो कि वो कहीं बड़े ना हो जाएं। और यतीमों के सरपरस्तों में से जो खुद मालदार हो वो तो अपने आप को यतीम का माल खाने से बिल्कुल पाक रखे। हाँ, अगर वो खुद मोहताज हो तो मारूफ तरीक़ेकार को मलहूज रखते हुए खा ले, फिर जब तुम उनके माल उन्हें दो तो उन पर गवाह बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है।